अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों वेलकम टू तो ब्रहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग एम सी जी एम वर्चुअल क्लास रूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे वक्त बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है थमा नहीं है और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज बर रोज जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख जरीन सबा तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों वेलकम टू जरीन सभा स्टूडियो आपके इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और जैसे कि आपको पता है आपको यहाँ साइंस के तमाम वीडियोस मिल जाते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए तो आपका टॉपिक आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक कार्बन एक अहम आंसर ये इसका पार्ट टू है इसका पार्ट वन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है आप वहाँ से उसे देख सकते हैं जमात ना के लिए स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए मजमून है हमारा साइंस और मैं हूँ आपकी मौलमा जरीन सबा फ्राम एम सी जी एम वर्चुअल क्लासरूम मुंबई तो बच्चों आगे भी आप ऐसे तमाम वीडियोस हासिल करते रहें इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और इसका पार्ट वन हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है आप उसे ज़रूर देख लीजिए तो तो स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं तो हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि कार्बन जो है एक बहुत अहम अंसर है और हमारे अतराफ में जितनी भी चीजें हमें नज़र आती हैं उनमें कार्बन मौजूद है कार्बन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तमाम किस्म के नामियाती मरकबात में कार्बन मौजूद होता है बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते ही उसे हैं जिसमें कार्बन मौजूद हो और हमने देखे थे कि एक मौरूसी खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में दाखिल करने वाले डी एन ए और आर एन ए में भी कार्बन मौजूद होता है फिर हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कार्बन के बहरूप यानी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में हमने देखे थे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में कलमी हालत में कार्बन तीन हालातों में पाया जाता है एक है ग्रेफाइट एक है डायमंड और एक है फ्लोरिन बहरूपियत के ताल्लुक से हमने भी मालूम हासिल की थी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताई थी कि बहरूब उसे कहते हैं जब कोई एक शय जो है अलग अलग हालतों में मिलती है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या उनकी तबाई हालत मुख्तलिफ होती है लेकिन उनकी कीमियाई खसूसियात जो है या केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो तो उसको क्या कहते हैं एलोट्रोप्स या बहरूब कहते हैं और लास्ट वीडियो में हमने डायमंड के बारे में मालूम हासिल की थी डायमंड जो है कार्बन का एक बहरूप है जो बहुत कीमती है चमकदार होता है इंतहाई सख्त होता है और फिर उसके बाद हमने ग्रेफाइट के बारे में भी मालूम हासिल किए थे ग्रेफाइट जो होता है ये रूस न्यूजीलैंड अमेरिका और हिंदुस्तान में पाया जाता है ग्रेफाइट की दरियाप। निकोलस जैक्स कैंटी ने सन सत्रह में की थी पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला जो सीसा है वो ग्रेफाइट और मिट्टी के जरिए बनाया जाता है मैंने आपको बताई थी कि पेंसिल की जो नोक है आपकी वो ग्रेफाइट से बनी हुई है अब हम ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इतना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं आज जो है हम क्या देखेंगे अब इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसकी खसूसियात देखेंगे कुदरती तौर पर दस्तियाब होने वाला ग्रेफाइट जो होता है वो सियाह होता है नर्म होता है फोटक होता है और चिकना होता है ग्रेफाइट हैज़ लो हार्डनेस एंड इट कैन ब्रेक ईजीली ये आसानी से तोड़ा जा सकता है इसमें हार्डनेस भी जो है बहुत कम होती है और जो ग्रेफाइट होता है और ये नर्म होता है देखिए पेंसिल अगर आपकी नीचे गिर जाए तो उसकी नोक टूट जाती है किससे क्या समझ में आता है कि वो जो पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी है ना यानी ग्रेफाइट जो है फोटक होता है और टूटने वाला होता है चिकना भी होता है ग्रेफाइट में अंदर की सतहों में आज़ाद इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं इसलिए ग्रेफाइट जो है वो बर्क का उम्दा मौसल है यानी ये बहुत अच्छा अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इससे पहले वाले वीडियो में एक तजुर्बा जो है हमने छोटा सा किए थे जिसमें आपको बताया गया था कि किस तरह जब हम पेंसिल को एक सर्किट से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि उसमें से बरकीरों बहने लगती है है ना तो बिल्कुल वैसे ही इससे ये चीज़ समझ में आई कि ग्रेफाइट में से बरकीरों बहती है क्योंकि इसमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं जबकि हमने देखे कि ग्रेफाइट का की तरह ही हीरा भी कार्बन का एक बहरूप है लेकिन उसमें से बर्करों नहीं बहती इसमें कागज़ पर सियाह निशान छोड़ने की खासियत पाई जाती है इसलिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है पेंसिल बनाने में होता है ग्रेफाइट की कसाफत जो है एक आशरिया नौ से लेकर दो आशारिया तीन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ग्रेफाइट कई मोहल्ल में हल नहीं होता है ग्रेफाइट का इस्तेमाल अब ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो उसका इस्तेमाल चिकनाई कार या बनाने में किया जाता है नीचे राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कि ग्रेफाइट जो है ल्यूब्रिकेंट जो है ये चिकनाई बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और ये चिकनाई का इस्तेमाल कहाँ होता है आपकी साइकिल में आप चेन में जो है चिकनाई लगाते हैं गेट जो है जब हमारा बारिश के दिनों में टाइट हो जाते हैं तो उस गेट को लूज़ करने के लिए हम चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं कार्बन के बरकीरे बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है ये इस तरह की सेल्स होती हैं ड्राई सेल्स इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट का इस्तेमाल लिखने की पेंसिल बनाने में किया जाता है रंग पॉलिश की तैयारी में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा रोशनी देने वाले आले आर्क लैंप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है तो यहाँ एक नीचे पाई चार्ट दिया है जिसमें आप देख सकते हो कि लिब्रिकिंग्स में हो रहा है इस्तेमाल बैटरीज में होता है ऑटोमोटिव पार्ट्स में होता है कार्बन ब्रशेस बनाने में होता है और स्टील की और इसके अलावा फाउंड्रीज और रिफ्रैक्टरीज वग़ैरह बनाने में भी बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है उसके बाद अगला है बहरूप कार्बन का पहला तो है हीरा फिर हमने मालूम हासिल की ग्रेफाइट के बारे में और थर्ड जो बहरूप है उसका वो है फ्लोरिन फ्लोरिन कार्बन का ये बहरूप जो है कुदरत में बहुत कम पैमाने पर पाया जाता है लेकिन पाया जाता है और काजल सारे जो हैं उनके दरमियान की जगहों के बादलों में और ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की तरतीब के दौरान जो है ये हासिल होता है बेट फ्लोरिन बिकमिनश फ्लोरिन जो है ये C60 फ्लोरिन की पहली मिसाल है बिकी बॉल जिसे कहते हैं साख्त नीचे आप जो है देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर बिकी बॉल स्ट्रक्चर माहिर इलम रिचर्ड बिकम फुलर ने रिचर्ड बिकमश फुलर की तस्वीर आप ऊपर देख सकते हैं इन्होंने गोल गेंद नुमा साख्त की वजह से जो है इन्होंने बताई थी सबसे पहले गोल गेंद नुमा साख्त फ्लोरिन की तो उसकी वजह से कार्बन के इस बहरूब को फ्लोरन नाम दिया गया सी सिक्सटी इस फ्लोरन कार्बनी बहरूब की दरियाफ़त के लिए हीरा लुट करोटो रॉबर्ट क्रिल और रिचर्ड शिमाली को नाइनटीन नाइन्टी सिक्स के इल्म कीमिया के नोबल इनाम से नवाजा गया नोबल प्राइजेज़ जो होते हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े और अजीम प्राइजेज़ माने जाते हैं और ये चारों लोगों को ये इनाम दिया गया क्योंकि इन्होंने कार्बनी बहरूप की दरियाफ्त की और C60, C70, C76, C82 और C86 जो है फ्लोरीन की मज़ीद कुछ मिसालें हैं और नीचे आप लोग जो है ये तमाम स्ट्रक्चर फ्लोरिन के स्ट्रक्चर C60, C70, C76, C78 और 82, 84 वगैरह आप देख सकते हैं उसके अलावा बिकी ट्यूब या कार्बन नैनो ट्यूब स्ट्रक्चर भी बताया गया है ये सालमा जो होते हैं कुदरत में कुछ मक़दार में काजल से भी हासिल होते हैं इसकी खसूसियत क्या है फ्लोरिन का सालमा बिकी बॉल बिकी ट्यूब इस सूरत में हासिल होता है ऊपर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बिकी ट्यूब बिकी बॉल सी सिक्सटी सी सेवेंटी का स्ट्रक्चर दिया है एक फ्लोरिन के सालमे में आम तौर पर तीस से लेकर नौ सौ तक के कार्बनी जौहर होते हैं यानी कितने होते हैं तकरीबन नौ सौ तक हो सकते हैं क्योंकि आप अगर ये बॉल का स्ट्रक्चर देखोगे फ्लोरिन का स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे बहुत सारे जो है इसमें आ, कार्बन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे कार्बन जो है एक दूसरे से बंधि से जुड़े हुए होते हैं फ्लोरिन कार्बनी मोहल्ल में हल हो जाता है देखिए अब आ, ग्रेफाइट हल नहीं होता हमने देखे थे आ, हीरा भी किसी मोहल्ल में हल नहीं होता लेकिन ये कार्बनी मोहल्ल में हल होता है फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजन वगैरह में ये हल होता है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है फ्लोरिन का इस्तेमाल जो है हाजिस के तौर पर किया जाता है पानी को खालिस बनाने में फ्लोरिन का इस्तेमाल किया जाता है वाटर प्योरीफायर जो हमारे घर में लगे हुए होते हैं उसमें देखिए वो लोग कहते हैं कि इसमें कार्बन इस्तेमाल होता है तो कार्बन का ये एलक्ट्रॉप फ्लोरिन इस्तेमाल होता है पानी को खालिस बनाने के लिए मखसूस दर्ज हरारत पर फ्लोन ज़्यादा ताकतवर मौसिल की खूसियत को ज़ाहिर करता है और उसके अलावा गैस स्टोरेज में गैस सेपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है और मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है सोलार सेल्स और सोलार फ्यूल्स में इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल होता है फोटो में इस्तेमाल होता है वाटर प्योरीफिकेशन में इस्तेमाल होता है तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी जगहों पर किया जाता है अब उसके बाद देखते हैं गैर कलमी बहरूप या नॉन क्रिस्टलाइन एमफिस फॉर्म हमने इससे पहले जो देखे हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरिन ये कलमी बहरूप थे अब हम देखते हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म या गैर कलमी बहरूप इस हालत में कार्बन जौहरों की तरतीब गैर मुनजिम होती है नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी आप नीचे देख सकते हो पत्थर का कोयला लकड़ी का कोयला कोक कार्बन की जो है गैर कलमी शक्लों की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एक करके इसके बारे में मालूम हासिल करेंगे सबसे पहला है नॉन क्रिस्टलिन फॉर्म में का पत्थर का कोयला पत्थर का कोयला जो है एक रक्काजी ईंधन है और इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है इसमें कुछ मिकदार में नाइट्रोजन फास्फोरस और गंधक भी पाया जाता है ये कयाम पजीर हालत में पाया जाता है और इसकी चार किस्में हैं पीट, लेगेनाइट वेटमिनस और एंथ्रासट अब हम एक एक करके इसके बारे में मालूम हासिल करेंगे सबसे पहला है पीट। कोयला तैयार होने का जो पहला मरहला है वो पीट की तैयारी है इसमें पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन सिर्फ ग्यारह परसेंट पाया जाता है इसलिए इसके ज़रिए कम हरारत हासिल होती है यानी जब हम इसको जलाएंगे भी तो हरारत बहुत कम हासिल होगी क्योंकि पानी ज़्यादा है और कार्बन का तनासब कम है जबकि लेगेनाइट जो है ये ज़मीन के अंदर अगर दबाव और बढ़ जाए और हरारत अगर बढ़ जाए तो पीट जो है वो लेगेनाइट में तब्दील हो जाता है आपको पता है ना कि कोयला या कार्बन जो है ये हमें कहाँ से मिलता है कोयले की कानों से मिलता है कोयले की कानें जमीन की गहराई में होती हैं जमीन की गहराई में कानें जो है खोदी जाती हैं वहाँ पर ये मौजूद होती हैं और बहुत ज्यादा दबाव और दर्ज हरारत के बाद ही कोयला तैयार होता है तो ज़मीन के अंदर जब मजीद दबाव बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पीट जो है वो लेगेनाइट में तब्दील होता है और इसमें कार्बन का तनासब तकरीब ट्वेंटी टू परसेंट होता है ये कोयला बनने का दूसरा मरहला है लेगेनाइट तीसरा मरहला है बेटोमिनस कोयला बनने के तीसरे मरहले में बेटोमिनस तैयार होता है इसमें कार्बन का तनासब तकरीबन परसेंट होता है यानी यहाँ कार्बन का तनासुब बढ़ गया चौथा मरहला है एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट कोयले की खालिश सूरत के तौर पर पहचाना जाता है यानी एक्चुअल औरिजिनल फॉर्म जो है कोल का और इसको एंथ्रासाइट कोल भी कहते हैं ये कोयला सख्त होता है और इसमें कार्बन का तनासब तकरीबन 80% परसेंट होता है 80 परसेंट इसमें कार्बन पाया जाता है तो देख रहे हैं आप स्टार्ट से लेकर अब तक कार्बन का तनासुब बढ़ता गया और ये एंथरसाइड जो है जो खालिश हालत है कोयले की इसमें कार्बन का तनासुब सबसे ज्यादा होता है उसके बाद है चारकोल नाम आप लोगों ने सुन ले होंगे है ना चारकोल तो हैवानाथ के जरिए तैयार होने वाला चारकोल हैवानाथ की हड्डियां सींग वगैरह से जो है ये तैयार किया जाता है जबकि तयम नबात के जरिए तैयार होने वाला चारकोल लकड़ी के कम धुएं में अधूरे एतराक से जो है तैयार किया जाता है यानी लकड़ी को कम हवा में आधा जलाया जाता है मुकम्मल तौर पर नहीं जलाया जाता अधूरा एतराक होता है तो जो है फिर चारकोल तैयार होता है तस्वीर में आप चारकोल देख सकते हैं उसके बाद है कोयले का इस्तेमाल अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है कोयले का इस्तेमाल कारखानों और घरों में बतौर ईंधन इसका इस्तेमाल होता है और आजकल वैसे घरों में कोयले का इस्तेमाल बतौर ईंधन बहुत कम किया जाने लगा है क्योंकि आजकल घरों में गैस इस्तेमाल होती है है ना या इलेक्ट्रिक के इंडक्शन इस्तेमाल होते हैं लेकिन पिछले वक्त में घर में औरतें खाना बनाने के लिए कोयले का ही इस्तेमाल करती थी कोयला जलाकर चूल्हे जलाए जाते थे और फिर खाना बनता था आज भी लेकिन आप लोग जो सिख वग़ैरह देखते हैं या जो बाबी क्यों किए जाते हैं और सिख जो है रमज़ान में ख़ास तौर से और ईद के मौके पर बनाई जाती है तो उसमें आज भी जो है कोयले का ही इस्तेमाल होता है होटलों में खाना बनाने के लिए तंदूरी रोटी वगैरह बनाई जाती है वहाँ कोयले का इस्तेमाल होता है कारखानों में जो है कोयले का इस्तेमाल होता है पिछले ज़मानों में कोयले पर चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी इसके अलावा कोक कोल गैस और कोल तार डाम्बर जो रास्ते पर दरमियान वाली तस्वीर में आप देख सकते हो रास्ते पर जो कोल तार जिसे कहते हैं या कोल तार या डांबर कहते हैं और रास्ते को पुख्ता कंक्रीट का बनाने के लिए ऊपर से फिर डाम्बर की तह चढ़ाई जाती है तो ये इसको तैयारी में भी कोयले का इस्तेमाल होता है बिजली को तैयार करने के लिए हरारती बिजली मरकज़ जो होते हैं और थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी कोयले का इस्तेमाल होता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है यहाँ दिया नहीं गया है लेकिन वाटर प्यूरीफायर्स में भी कोयले का इस्तेमाल होता है उसके बाद है कोक पत्थर के कोयले से कोल गैस निकालने पर पत्थर के कोयले से अगर कोल गैस निकाल दी जाए तो बचा हुआ खालिश कोयला कोक कहलाता है कोक का इस्तेमाल ये भी जो है घरेलू ईंधन के तौर पर यानी घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है तहवीली आमिल के तौर पर कोक का इस्तेमाल होता है वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस की तैयारी में कोक का इस्तेमाल होता है वाटर गैस सी ओ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और प्रोड्यूसर गैस सी ओ कार्बन डाईआक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस सी ओ टू प्लस एन टू नाइट्रोजन की तैयारी में कोक का इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर आप किसाख्त कैसी होती है आप नीचे देख सकते हैं अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हाइड्रोकार्बन्स जो है ये बहुत अहमियत रखते हैं और जब कभी कार्बन की बात होती है तो कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी मालूम हासिल करना बहुत ज़रूरी है हाइड्रोकार्बन या बुनियादी नामियाती मरकबात हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तमाम नामियाती मरकबात में कार्बन के साथ हाइड्रोजन शामिल होता है यानी तमाम नामियाती मरकबात में कार्बन तो होता है लेकिन कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन शामिल हो तो इन बुनियादी नामियाती मरकबात को हाइड्रो कार्बन कहते हैं हाइड्रोकार्बन के तौर पर इन्हें जाना जाता है क्या होता है कार्बन में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होता है और उससे वो कार्बन जुड़ा हुआ होता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है दो चार है यानी हम जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है पहले वाले मदार में पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स और बाद वाले शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए कार्बन के जौहर के दूसरे खोल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर कार्बन अपने दूसरे खोल में चार इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो इसका आखिरी खोल मुसमन मुकम्मल कर लेता है और वो करीबी याम पज़ीर गैर आमिल गैस नियोन या जो जिसका कॉन्फिग्रेशन जो है दो आठ है वो उसकी तरह क्याम पज़ी हो जाएगा ठीक है तो अगर इसको अपनी हालत क़याम पजीर बनानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा इसको मज़ीद चार इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये क्या कर सके अपनी मुसमनी हालत को मुकम्मल कर सकें क्योंकि सेकेंड वाले आ, मदार में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन आने के बाद उसकी मुसमनी हालत मुकम्मल हो जाती है ठीक है तो और वो क़यम पजीर हो जाता है कार्बन की गिरफ्त चार है यानी वो कार्बन के साथ या दूसरे अनासर के जौहरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चार हम गिरफ्त बंदिश कोविलिट बॉन्ड बना सकता है अब देखिए और कार्बन को लास्ट वाले मदार में चार इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अब एक साथ इसको चार इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी जौहर से मिल जाएंगे तो वो जो जौहर होगा वो तो फिर गैर क्याम पसी हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद कम ज्यादा हो जाएगी तो एक साथ इसको चार मिलना मुश्किल है और अगर ये चार खो देता है किसी और को दे देता है ताकि ये हीलियम की जैसी हालत में आ सके यानी दो पहले मदार में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन तो उस सूरत में भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का तनासब कम हो जाएगा और जौहर गैर कयाम पजीर होगा इसलिए कार्बन जौहर क्या करता है ये हम गिरफ्त बंदिश बनाता है यानी यह चार मुकम्मल तौर पर लेता भी नहीं है चार मुकम्मल तौर पर देता भी नहीं है बल्कि साझेदारी करता है यानी क्या करेगा कि एक मेरा इलेक्ट्रॉन और एक तेरा इलेक्ट्रॉन हम दोनों मिलकर आधा आधा बांटते हैं ये होता है ठीक है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यानी हम गिरफ्त है हर एक कार्बन चार हाइड्रोजन जौहर के साथ साझेदारी करके सी एच बंदिश तैयार करता है तस्वीर में आप देख सकते हो सी एच बंदिश बताई गई है एक कार्बन जौहर जो है वो एक क्या कर रहा है हाइड्रोजन का जो जौहर है उसके साथ बंदिश तैयार कर रहा है यानी एक कार्बन का एटम सॉरी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर साझेदारी कर रहे हैं एक कार्बन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर साझेदारी कर रहे हैं एक कार्बन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर साझेदारी कर रहे हैं रेड कलर में जो है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन बताए गए हैं ब्लू कलर में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन बताए गए हैं ठीक है और कार्बन कार्बन के दरमियान भी साझेदारी हो सकती है जो आप यहाँ पर दूसरे इसमें देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड बताया गया है कार्बन कार्बन के दरमियान भी साझेदारी होती है और इस तरह की साझेदारी को इस तरह की जो बंदिश बनती है उसको हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं तो दो जौहरों में दो गिरफ्त इलेक्ट्रॉनों के इश्तराक से जो कीमियाई बंदिश बनती है उसे हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं ठीक है Uh, यहाँ पर आप देख सकते हो अनपेर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम वन नॉन मेटल एटम टू नॉन मेटल और मेटलॉइड्स और दोनों का एक एक जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं शेयर हो रहे हैं शेयरिंग ऑफ अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद क्या तैयार होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल तैयार होता है हम गिरफ्त बंदिश यहाँ पर बनती है तस्वीर में आप देख सकते हो कार्बन uh, की चार हाइड्रोजन के साथ बंदिश बताई गई है और बताया गया कि मीथेन कैसे तैयार होता है ऑक्सीजन की दो हाइड्रोजन जौहर के साथ बंदिश बताई गई है और बताया गया है कि वाटर का मॉलिक्यूल कैसे तैयार होता है हाइड्रोजन की बताई गई है बंदिश क्लोरीन की जो है बंदिश बताई गई है और इसे ही हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं और ऐसे ही हम गिरफ्त बंदिश के वजह से बनता है मीथेन यानी एक कार्बन और चार हाइड्रोजन जौहर एक कार्बन का जौहर है और उसके गिर हाइड्रोजन के चार जौहर है और उनके गिर दरमियान बंदिश होती है जिसकी वजह से हम गिरफ्त बंदिश बनती है और सी एच फोर यानी मीथेन का सालमा तैयार होता है एक कार्बन और चार हाइड्रोजन तो इसमें जो डॉट वाला है वो साख्ती इलेक्ट्रॉन डॉट खाका है उसको कहते हैं डॉट वाला जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं और जो लाइन से बताया गया है वो साख्तीबा है यहाँ पर आप देख सकते हो मीथेन बताया गया है और किस तरह से बंदिश बनती है और सी एच फोर कैसे तैयार होता है वो यहाँ पर आपको बताया गया है हम गिरफ्त बंदिश बनाने की खसूसियात हम गिरफ्त बंदिश बनाने वाले मरकबात का नुक़ः पिघलाव और नुतः उबाल बहुत कम होता है क्योंकि इनके दरमियान की जो बंदिश होती है जो बंदिश से ये जुड़े हुए होते हैं ये बहुत कमज़ोर होती है और कम दर्ज हरारत पर यह टूट जाती है तो नुक़ पिघला और नुकतः उबाल दोनों भी इसका कम होगा आम तौर पर पानी में गैरहल पजीर और नामियाती मोहल में ये हल पजीर होते हैं यानी पानी में ये हल नहीं होगी और नामियाती मोहल में ये हल पजीर होती है और यह हरारत और बर्ग के नाकिस मौसल होती है यानी इसमें से हरारत भी नहीं गुज़रेगी बर्क भी नहीं गुज़रेगी हरारत और बर्क की जो है ये नाकिस मौसिल होती है यानी बैड कंडक्टर्स जो है होते हैं ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के ठीक है तो ये खसूसियात है किसकी हम गिरफ्त बंदिश बनाने वाले कार्बनी मरकबा यानी जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं ये उसकी खसूसियात है ठीक है तो आपके लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आ, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आगे भी अगर आपको तमाम वीडियोस हमारी इसी तरह से चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू तो गेट ऑल दी नोटिफिकेशन थैंक यू सो मच फॉर हाफिज़ तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़